हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बच्चों। आज की क्लास हमारी उन बच्चों के लिए है जिनको ABCD पढ़ना आती है और जो ABCD को पहचान लेते हैं, लेकिन वो वर्ड्स या सेंटेंसेस को पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। और उनकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बच्चों आपके लिए ये लाए हैं फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब होता है जो भी लेटर्स होते हैं, ये ABCD से लेकर के जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं, इनकी साउंड को किस तरह से हम बोलते हैं, उनको बोलने का स्टाइल क्या है, उस साउंड को जो है बोलने का जो तरीका है उसी को हम फोनिक्स कहते हैं। तो बच्चों, अगर हमें ये फोनिक्स आते होंगे, मतलब इन लेटर्स की अगर हम साउंड याद कर लेंगे, तो हमें फिर इन लेटर्स से बनने वाले वर्ड्स को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों, यहाँ ये मैंने लेटर्स लिख रखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ये ए लिखा है, कैपिटल ए, और उसके साथ मैंने उसका बेबी ए, उसका स्मॉल ए भी लिख दिया है। दोनों लिखे हैं, पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा छोटा है। ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी। इसी तरह से आगे के और लेटर्स, पहले बड़ा कैपिटल, फिर छोटा स्मॉल वाला। इसके साथ ही बच्चों, इनके आगे मैंने लिख रखे हैं इनके साउंड। ये ए बा का डा। तो बच्चों, ये साउंड ही हमको लर्न करना है। अगर ये साउंड हमें लर्न हो जाएंगे तो आप देखेंगे आप कितनी जल्दी वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस भी पढ़ने लगेंगे। इस तरह बच्चों, मैंने ये इन वर्ड्स लेटर्स से शुरू होने वाले कुछ वर्ड लिख दिए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि यही साउंड यूज होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के लिए, आपको पढ़ने के लिए मैंने इधर लिख दिए हैं कुछ वर्ड्स। तो इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको बोल करके दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने इधर लिख दी है। मेन चीज़ जो हमें लर्न करना है बच्चों, वो है ये वाली लाइन। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसी को ध्यान से देखें और इसी को हमें लर्न करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहला लेटर आता है ए। ए आय, इसका साउंड होता है आय। ये देखो, मैंने हिंदी में इसका साउंड लिख दिया है ए। जैसे ए से बनने वाले वर्ड देखो, ए फॉर एप्पल हम लर्न करते हैं ना, तो वो एप्पल बोलने में ए बोलते हैं ना पहले, एप्पल। ऐसी एंट, चींटी के लिए, एक्स कुल्हाड़ी, एलिगेटर, ये जो क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ, उसी को हम एलिगेटर भी कहते हैं। तो इनमें सब में देखो ए की आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे पहला स्टार्टिंग वर्ड लेटर इसमें ए है ना, तो ये वर्ड जो है ऐसे ही कहा जाएगा, एप्पल एंड एक्स एलिगेटर। ऐसे देखो बी और ये स्मॉल बी, इससे साउंड बनेगी ब। ये नीचे बच्चों देख रहे हैं, मैंने हलंत लगाए हुए हैं। ये हलंत का मीनिंग है कि ये इनमें जो है बा जो है आ की आवाज़ मिली हुई नहीं है, ये आधा बा है। हलंत का मतलब ही आधा, ये बा पूरा नहीं है, आधा है। ये का पूरा नहीं है, आधा है। ये डा पूरा नहीं है, आधा है। तो ये पूरा और आधा का क्या चक्कर है, ये कैसे पूरा बनेगा, ये बाद की बात है। अभी बस हम ये समझ लो कि बी बी बा, सी सी का, डी डी डा, ई ए, एफ एफ फ, जी जी ग, एच एच ह,
आई आई इ छोटी है बच्चों, इ जे जे ज के का। ये देखो बच्चों कैपिटल के है और ये स्मॉल के कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, इसी कैपिटल वाली कैपिटल वाले के को ही छोटा करके लिख देते हैं और कुछ लोग इस तरह से के लिखते हैं, ये दोनों स्मॉल हैं। एल एल ल, एम एम म, एन एन न, ओ ओ ओ, पी पी प, क्यू क्यू क्यू, आर आर र। ये आर भी बच्चों छोट स्मॉल वाला दो तरह से लिखते हैं लोग, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये दोनों स्मॉल आर हैं। एस एस सा, तो बच्चों ये वाली साउंड ये हमें खूब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखो इन्हीं हर एक लेटर की जो साउंड है उसी साउंड से देखो उनके आगे वर्ड बन गई हैं। ए के मैंने आपको बता दिए, बी बी ब, बाल बस, बैट बर्ड और बैड। देखो सब में बा, बी से शुरू हुआ तो बा से बोल रहे हैं। ये सी सी का, तो कैट कैप कप और कॉट। डी डी ड, डॉ डॉल डक डैन। ई ई ए, एग एलिफेंट इंजन। एफ एफ फा, तो फा से देखो बच्चों फिश फॉक्स फ्लावर फुट, फुट माने पैर होता है। जी जी ग, गर्ल गोट गेट गन। एच एच ह, हैट हैन हॉट हाउस। आई आई ई, इंडिया इंसेक्ट इग्लू इंक पॉट। जे जे ज, जग जोकर जैम। के का, काइट किंग कंगारू। एल एल ल, लॉयन लैम लीफ। एम एम म, मैट मून मैंगो मिल्क। एन एन न, नेस्ट नट निडिल। ओ ओ ओ, ऑक्स ऑस्ट्रिच ऑरेंज। पी पी प, पैन पैन, ये कलम लिखने वाला, ये कढ़ाई। पैरट पॉट। क्यू क्यू क्यू, क्यूइन रानी को क्वीन कहते हैं। क्वाइट कहते हैं ना, आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। क्वाइट का मतलब पूरा, पूरी तरह से संपूर्ण। क्वेल। आर आर र, रेड रैबिट रोज और रेन। एस एस स, सन सोप सॉक्स। तो ये एस तक हो गए बच्चों। तो इधर के ये वर्ड इनकी आप चिंता ना करें, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको पढ़ के दिखाए, धीरे धीरे इन्हें आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी। लेकिन अभी आपको परेशान नहीं होना है, किसी को अगर इनका मीनिंग नहीं पता है, जैसे फ्लावर क्या होता है, फुट क्या होता है, या हैन क्या है, हाउस क्या है, तो ये आपकी अभी प्रॉब्लम जो है इसमें परेशान ना हो। अभी आप बस मेन इस पर ध्यान दें, ये वाली लाइन, ये लाइन आपको अवश्य लर्न करनी है। ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बोलने के लिए, जो ये सीख जाएंगे तो ये आराम से पढ़ने लगेंगे। तो इसको परेशान ना हो कि ये एकदम कैसे पढ़ नहीं मिल रहे हैं, ये सारे पढ़ने आ जाएंगे धीरे धीरे। इस पर ज़्यादा ध्यान दें बच्चों, ये वाली लाइन कि ए ए का साउंड ए होता है, बी बी का साउंड बा होता है, सी सी का साउंड का होता है, डी डी का साउंड ड होता है, ई ई का साउंड ए, एफ एफ का फ, जी जी का ग, एच एच का ह, आई आई का ई, जे जे का ज, के का क,
एल एल का ल, एम एम का म, एन एन का न, ओ ओ ओ, पी पी प, क्यू क्यू क्यू, आर आर र, एस एस स। जब ये लर्न हो जाएंगे तो ये हम दोबारा एक एक करके एक एक वर्ड पढ़ेंगे, स्पेलिंग रीड कर करके, और बड़ी आसानी से आप इनको पढ़ पाएंगे। अभी ये एस के बाद कुछ और हैं बच्चों, जिस तभी जेड तक पूरे हो जाएंगे, इनको भी देख लें। ये हमारे बाकी के बचे हुए। तो बच्चों ये देखिए, एस के बाद टी टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, टी टी टा, टा से होता है देखो टी ओ पी टॉप, टी ई एन टेन, टाइगर, टॉय, ट्री। यू यू आ, ये कैपिटल यू, ये स्मॉल यू, इससे आ की साउंड निकलती है आवाज, जैसे यू फॉर अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना, तो आ, आ से स्टार्ट हुआ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अप, अप माने ऊपर, यू एन डी आर अंडर, अंडर माने नीचे होता है। तो इन पे अभी ज़्यादा परेशान ना होना है आपको, बस ये वाली लाइन जो है साउंड, इन लेटर्स के साउंड क्या हैं, ये इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। कि जब हम आपसे पूछें बताओ डब्लू काय की साउंड करता है, तो आप तुरंत बताएं सर वा की। देखो बच्चों, वी और डब्लू इसमें दोनों में मैंने वा लिखे हैं, ये दोनों ही वा की आवाज़ निकालती हैं। कहाँ पर वी होता है, कहाँ डब्लू, ये जो बर्ड आएंगे उनको देख करके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वी वी व, जैसे वैन, वास, वायलिन, ये वास होती है सुराही, वायलिन बजाने वाला वो होता है इंस्ट्रूमेंट, वैन माने बस होती है स्कूल बस। डब्लू डब्लू व, वाटर, वेल, वाल, वेल माने कुआं, वाल माने दीवार। देखो वाटर में वा आता है, ऐसी वैन में भी वा आता है, तो वी का भी वा होता है, डब्लू का भी वा होता है। और ये हलंत लगे हुए हैं, मतलब ये आधे हैं, पूरा टा नहीं है, ये पूरा आधे का चक्कर बाद में समझ में आएगा आपको, बस अभी साउंड ध्यान रखो। एक्स की साउंड एक्स, ये बच्चों कैसे बोलेंगे हम, एक्स की साउंड बोलने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, एक्स को बोलने में आप मन में एक्स, मन में बोले ए की आवाज़ को आप मन में ही दबा लें, मतलब एक्स बोलें, लेकिन एक्स बोलते समय ए की आवाज़ को आप निकालें ना, मन में ही बोल लें, और आगे की आवाज़ को बोल दें जोर से, तो ये किस की आवाज़ निकल जाएगी। जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, एक्स, अभी ए भी बोल दिया मैंने, लेकिन ए नहीं निकलना चाहिए मुँह से, इस तरह की आवाज़ आएगी। बाई बाई या, याक, एलो, जेड जेड, जा, ये जा के नीचे बिंदी रखी, जा जा, जा की तरह ही बोलते हैं, जा जा। ये जेड भी स्मॉल वाला दो तरह से लिखा जाता है, एक ये कैपिटल की आकार में ही, और कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ये दोनों स्मॉल वाले जेड हैं। तो जेड फॉर जेबरा भी होता है, जिप चैन को कहते हैं, जू माने चिड़ियाघर। तो बच्चों प्लीज लर्न लेटर्स साउंड, कृपया याद करिए लेटर्स की साउंड को। ये लेटर्स हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ साथ लिख दिए हैं मैंने, मगर चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, साउंड तो यही रहेगी ना। और फिर उसी साउंड की हेल्प से ये वर्ड कैसे रीड करते हैं, ये आपको बाद में और अच्छी तरह आ जाएगा। तो इन साउंड को अच्छी तरह से लर्न करना है, उसके बाद आप इनको देखिएगा कितनी आसानी से ये वर्ड आप पढ़ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये लेटर्स बोलूँगा और आपको उनकी साउंड बतानी होगी कि वो क्या साउंड निकालते हैं। कि जैसे मैं पूछूं बताओ बच्चों टी, तो आप तुरंत बताओगे कि टा। मैं लेटर्स बोर्ड पर लिखूँगा कॉपी पर, और आपको अपनी कॉपी पर लिख करके दिखाने होंगे उनके साउंड, फिर आप देखिएगा कितनी आसानी से आप ये सब पढ़ पाते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।